बड़ी सारी चीजें बोली गई, बड़ी सारी चीजें कही गई। किसी को एक पर्सन पता है नहीं, हार्दिक पटेल है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। हालात और यू नो चीजें जो आप दे सकते हो, ऐसे मौके लाइफ में बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं जहां लाइफ बोलते ना एक चेंज हो सकती है। मैं हमेशा आधा ग्लास फुल समझता हूँ, कभी आधा ग्लास खाली नहीं समझता। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत लिया। भारत की जीत में ऑलराउंडर हार्दिक पांडे की अहम भूमिका रही। पांडे ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में 3 ओवरों में 20 रन देकर 3 विकेट झटके। पांडे ने दक्षिण अफ्रीका की पारी के दौरान आखिरी ओवर किया जो कि काफी अहम रहा। हार्दिक पांड्या भारत की जीत के बाद फूट फूट कर रोए। उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया। उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने कितने मुश्किल रहे। दरअसल हार्दिक पांड्या IPL 2024 से ट्रॉलर्स के निशाने पर थे। पांडे को मुंबई इंडियंस का कप्तान बना दिया गया था। रोहित शर्मा को मुंबई की कप्तानी से हटा लिया गया था। इसके बाद से पांड्या काफी ट्रोल हुए थे। उनके लिए पिछला IPL सीजन भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में जीत के बाद वो खुद को रोक नहीं पाए और खूब रोए। हार्दिक ने मैच के बाद देखिए क्या कहा। मैं ना बड़ा ग्रेस पे मानता हूँ सर। बड़ी सारी चीजें बोली गई, बड़ी सारी चीजें कही गई। किसी को एक पर्सन पता है नहीं हार्दिक पटेल है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं। हालात और यू नो चीज़ें जो आप दे सकते हो, और मैंने वही जब बहुत भी मुश्किल था तब एक ही चीज़ मैंने खुद से बोली लाइफ में है यू नो आप ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। और मुझे मैं ग्रेस में बहुत मानता हूँ। आप ग्रेस को रहे, हारिए जीतिए, ऊपर डाउन, अगर आप ग्रेस रखेंगे आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर यू नो अवर फैंस और एनीवन एवरीवन आई टू लर्न एज वेल दैट यू नो इररिलेवेंट क्या हो लाइफ में एक तरीका, आई थिंक एक बेहतर तरीका भी ढूंढना पड़ेगा अपनी कंट्री में। और आई एम श्योर वो सेम लोग काफ़ी खुश होंगे। और बस बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं। हार्दिक, जब वो आप आखिरी ओवर डाल रहे थे तो कैन यू जस्ट टेल अस कि आपके मन में क्या था? 2016 में भी आपने एक आखिरी ओवर डाला था, आज यहाँ आखिरी ओवर डाल रहे थे। डिड यू एक्चुअली फील द प्रेशर कि अब सब कुछ मेरे ऊपर ही आ चुका है करके, और डू यू एंजॉय बिकॉज वी गेट टू सी दैट यू ऑलवेज एंजॉय टेकिंग दिस काइंड ऑफ मोमेंट्स? ऐसे मौके लाइफ में बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं जहाँ लाइफ बोलते ना एक चेंज हो सकती है मोमेंट। ऑब्वियसली यहाँ ऑपोजिट भी जा सकता था चीज़ वो मुश्किल, लेकिन मैं हमेशा आधा ग्लास फुल समझता हूँ, कभी आधा ग्लास खाली नहीं समझता। तो आई थिंक उस मोमेंट पे मुझे पता था मैं प्रेशर लेके कुछ फ़ायदा है नहीं। प्रेशर आई थिंक सब बाहर ले ही रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी स्किल सेट पे मैं कैसे ध्यान दे पाऊँ और एग्जीक्यूट कर पाऊँ, इससे बेहतर मौका था ही नहीं। यू नो पूरे जो मतलब पूरा चीज जो होना चाहिए, आई थिंक इवेंचुअली केम डाउन, इट वाज रिटन मेरे लाइफ में, आई थिंक ये मोमेंट लिखा हुआ था। और बोलते मैंने पहले ही बोला था लक हमेशा जो मेहनत करते उनके ऊपर आता है, सो कोशिश की थी मेहनत करते रहूँ, सब नीचे रखूँ और हंसते रहूँ। और आज एक और काफी लंबी हंसी रहेगी काफी टाइम तक, सो बहुत खुश हूँ। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे। इस दौरान विराट कोहली ने 76 रनों की अहम पारी खेली थी। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 169 रन ही बना सकी। कप्तान रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका की पारी का आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या को थमाया। उन्होंने इस ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट झटके और टीम इंडिया की जीत के हीरो बन गए। तो आप भी हार्दिक पांड्या के इस बयान पर अपनी राय दीजिए, साथ इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।